आज हम बाजार से भी ज़्यादा खस्ता मेथी मटरी घर पर ही बनाएंगे, जो कि घर पे रखे हुए इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। आपको बाजार से कुछ भी नहीं लाना है। तो चलिए बनाते हैं आज बहुत ही खस्ता मेथी मटरी। तो स्वागत है आपका मालाज कुकिंग करता में। चलिए आज की ये रेसिपी को देख लेते हैं। मेथी मटरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा परात ले लेंगे और उसमें मैं ले रही हूँ 2 कटोरी मैदा या 2 कप मैदा ले लें, लेकिन मैं कटोरी का मेजरमेंट ले रही हूँ क्योंकि घर में अक्सर कटोरियाँ रहती हैं, कप नहीं रहता है। इसमें 1 टीस्पून हम अजवाइन डालेंगे हाथों में क्रश करते हुए, साथ ही 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे क्योंकि मेथी मटरी बना रहे हैं तो मेथी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। साथ में नमक डालेंगे और इसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मैदे के साथ में मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ, आप चाहें तो गेहूँ का आटा ले सकते हैं या आप आधा गेहूँ का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम 3 टेबल स्पून ऑयल मिला देंगे। ऑयल जो भी आप खाते हो, मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया है, आप घी का मोइन भी इसमें लगा सकते हैं। और इसे मोइन हमें इतना लगाना है कि इस तरीके से ये मुट्ठी बंध जाए, जब हमने मैदा हाथों में उठाया तो वो अच्छे से बंधने लगे। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने गुनगुना पानी ले लिया है, ठंडे पानी से मैं इस आटे को नहीं गूंथूंगी, गुनगुना पानी ले लें और गुनगुने पानी को थोड़ा थोड़ा इसमें डालकर इस आटे को हमें लगा लेना है। पर ध्यान रहे, इस आटे को हमें बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है जैसे कि हम रोटी का आटा लगाते हैं, इसे बस इस तरीके से हमें बाइंड करना है। तो ये देखिए, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, एक साथ बिल्कुल मत डालें क्योंकि इसका जो हमें डो लगाना है वो थोड़ा सा सख्त लगाना है, नरम डो इसका हम नहीं लगाएंगे। और ये देखिए मैं इसे कैसे कर रही हूँ, क्योंकि ये पार्ट मैं स्किप नहीं कर रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, बस इसी तरीके से इसे हमें बांध लेना है, आटे को बिल्कुल भी गूंथना नहीं है। तो ये देखिए, आटे को हमने इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया है और ये देख रहे हैं ना आप इसमें कितना इसमें परत दिख रही है। तो जब हम इस तरीके से आटा लगाते हैं तो उसमें ढेर सारी परत हो जाती है और जो हमारी मटरी बनती है वो बहुत ही खस्ता बनती है। तो ये सीक्रेट टिप है दोस्तों मटरी बनाने की, जब भी आप घर पे बनाएं तो इसी तरीके से आटा गूंथें, आपकी मटरी बहुत ही कुरकुरी बनेंगी और बहुत ही खस्ता बनेंगी। आटे को मैंने 10 मिनट के लिए ढक दिया था ताकि आटा अच्छे से हमारा सेट हो जाए और 10 मिनट के बाद हाथों से फिर से इसे एक बार हल्का सा मसल लें और इसके बाद हम इसमें से इस तरीके से लोई तोड़ेंगे बड़ी सी और इसके बाद इसे हम एक सरफेस पे रखेंगे या आप चॉपिंग बोर्ड ले लें उस पे रख के इसे हमें रोल कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे बढ़ा लेना है और मैंने इसे मीडियम साइज का एक रोल बना लिया है। अब चाकू लेंगे और चाकू से हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, पूरे रोल को इस तरीके से कट कर लें और बहुत ज़्यादा मोटा ना करें, बिल्कुल मीडियम साइज का रखें इस तरीके से। देखिए, आपको साइज समझ में आ रहा होगा, तो बस इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। और ये सारी लोई हमने कट करके तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 लोई इस तरीके से हाथों में लेंगे और ये देखिए, इसे इस तरीके से बीच से हम इसे फोल्ड करके एक साथ जोड़ देंगे और हाथों से ये देखिए बीच से पाम से इसे हमें इस तरीके से दबा देना है। बाद में हम अंगूठे से थोड़ा सा प्रेस करना है और इसे इस तरीके से फैलाना है। तो बस इसी तरीके से सारे हम जो लोई हैं इसकी हमें इसी तरीके से मटरी बना लेना है जैसे कि बाजार वाले सेब देते हैं। और इस तरीके से ना बने तो आप इसे इस तरीके से बोर्ड पे रखें और इस तरीके से पाम से इसे दबाएंगे तो ईजिली आपसे हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप फोल्ड करके इसे बनाएंगे तो इसमें परत भी बनेगी और बहुत ही बढ़िया से ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो सभी को इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब मैं ये एक फोक ले रही हूँ और फोक से इसमें इस तरीके से हमें प्रिक करना है। जब इस तरीके से हम करेंगे तो इसमें छोटे छोटे से छेद हो जाएंगे। तो सभी में इसी तरीके से कर लेते हैं। अगर आपके पास ये फोक नहीं है तो आप इसे चाकू से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे कर लेना है और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। और ये अगर आप के पास फोक नहीं है तो आप चाकू से इस तरीके से इसे कर लें, इससे भी बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो चलिए, सभी को इसी तरीके से तैयार करके हम रख लेते हैं। और ये लीजिए,
सभी को हमने इसी तरीके से तैयार करके रख लिया है। बहुत ही बढ़िया इनका शेप आ गया है, बिल्कुल बाजार जैसा। अब हम क्या करेंगे, गैस पर मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए, और जैसे ही तेल मीडियम हाई फ्लेम पे गरम करना है, जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें हम एक एक करके मटरी डाल देंगे जितनी आ जाए। अभी हमें नीचे से नहीं चलाना है, जब ये नीचे से थोड़ी सी सख्त होने लगे, कलर चेंज होने लगे, तब इन्हें हमें स्पैचुला से इस तरीके से चलाना है। और अब क्या करना है कि जो फ्लेम है उसे हमें लो और मीडियम पे रखना है। बहुत हाई फ्लेम पे अगर इसे हम फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए, इसे लो और मीडियम फ्लेम करके आप इस तरीके से बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर इसमें धीरे धीरे आने लगा है, और ये जो मटरी है अंदर तक बढ़िया से ये क्रिस्प हो चुकी है। तो बस इसी स्टेज तक इसे हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना करें। जब आप इसे फ्राई करेंगे तो बस इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि इसे हाई फ्लेम पे ना फ्राई करें, मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें। और ये हमारी मटरी बनकर तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया हमारी ये मटरी बनकर के तैयार हुई है। तो चलिए इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और जो हमारा दूसरा बैच है उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मटरी है बाज़ार में काफ़ी महंगी मिलती है, और उसमें जो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी पुराना ऑयल रहता है, कई बार उस ऑयल को रिपीट करते हैं जिससे कि वो मटरी खाने में नुकसान करती है। लेकिन आप घर पर इसे फ्रेश बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। और ये देखिए, आवाज़ सुनिए कितनी बढ़िया इसमें क्रिस्पनेस आई है, बहुत ही क्रिस्पी हमारी ये मटरी बन करके तैयार हुई है। और ये देखिए, एक मटरी मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितनी खस्ता ये बनी है मटरी, बहुत ही बढ़िया इसमें खस्तापन आया है। फ्रेंड्स, मैं तो ये कहूँगी कि बाज़ार से भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता ये मटरी घर पर बनकर तैयार हुई है। और आप ये देख रहे हैं ना, इस पर कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो हमें बाज़ार से लाना हो, लगभग सारा सामान घर पर ही मिल जाता है। तो इस दिवाली आप भी इस तरीके से मेथी मटरी घर पर बनाकर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, मैंने इन्हें सिंपल और प्लेन रखा है, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से आप चाट मसाला और मिर्ची का पाउडर भी डालकर इसे रख सकते हैं, और इसे आप एक महीने तक स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से एक नई रेसिपी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।